स्वागत है आपका हमारे सरकार में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है आओ करें मतदान। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, मतदान के कई चरण पूरे हो चुके हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो कहीं कहीं लोगों ने बस इसे खाना पूर्ति ही समझा। मतदान सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, एक मजबूत सरकार चुनने का कर्तव्य, एक मजबूत विपक्ष चुनने का कर्तव्य, लोकतंत्र को मजबूती देने का कर्तव्य। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान करें। हर इंसान का अपना एक अदद वोट से सुनहरे कल को संवारने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार का निश्चित रूप से सदुपयोग करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आगे और पीछे जो भी हैं, हम सभी वतन के एक ही ताकत हैं। आज चुनाव के मौसम में आप देवता हैं और आपकी पसंद अपनी मर्जी की इस अवसर को समझना है और वोटों की बारिश करना है, क्योंकि आपके वोट की जरूरत है। इसलिए उठिए और अपनी तकदीर को आप खुद बनाइए। शहीदों को इन सपनों के लिए मतदान करें जो आज भी अधूरे हैं। उन गांवों को आबाद करने के लिए मतदान करें जो पलायन के चलते सूने हो चुके हैं। उन बदहाल अस्पतालों को संवारने के लिए मतदान करें जो डॉक्टर और दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं। उन स्कूलों को बचाने के लिए मतदान करें जो शिक्षकों, छात्रों और संसाधनों की कमी से तालाबंदी की कगार पर है। तो आइए चुने एक ऐसी सरकार जो हमारे बारे में सोचे। तो इसी सब पर है हमारी चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं अंकित गर्ग जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं एबीवीपी के, बहुत स्वागत है आपका अंकित जी। राहुल सेन जो कि एम्बेसडर है मतदान अभियान के, बहुत स्वागत है आपका। और साथ हैं विवेक त्रिपाठी जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता है NSUI के, बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले विवेक जी आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव की शुरुआत से लेकर अब तक जो प्रतिशत रहा वोटिंग को, उसके चलते 100% जो वोटों की मांग रही है, जो वोटिंग की मांग रही है, उसके लिए क्या कुछ कर किया आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम कॉलेज और कैंपसेस के अंदर जाके विद्यार्थियों के बीच में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जिस देश की आबादी 65% युवाओं की हो, तो उस इस महापर्व में, लोकतंत्र का एक महापर्व है, तो उसमें उनको बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए और भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। और बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पांस देखने को मिला। इस बार देश का युवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना चाहता है, वो अपने मताधिकार की अब वैल्यू समझता है, वो उस ताकत को समझता है। जिस तरीके से आज एक युवा अपने प्रत्याशी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करना चाहता है, सवाल जवाब करना चाहता है, तो जागरूक हो गया है देश का युवा। तो मैं समझता हूँ इस जो लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो बढ़ चढ़ के युवा हिस्सा लेगा। बहुत सारे ऐसे उत्साहित साथी हैं हमारे जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो काफ़ी उनके मन में जिज्ञासा है कि हमारे प्रत्याशी किस पार्टी से हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं और जीतने के बाद उनकी क्या विजन रहेगा भोपाल और मध्य प्रदेश और देश को लेके। तो काफ़ी अच्छा रुझान देखने को हमें मिला कैंपस में, काफ़ी ऊर्जा का हमने देखा संचार हो रहा है और बढ़ चढ़ के युवा, लड़के लड़कियां, स्टूडेंट सब इसी में हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में मतदान स्तर जो है, वोटिंग परसेंटेज, वो बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल अंकित जी, आपसे भी वही सवाल कि क्या कुछ कोशिश आप लोगों की तरफ से रही ज़्यादा से ज़्यादा 100% अगर मतदान हो इसके लिए, और किस तरह का रिस्पॉन्स बात करें अगर मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं DNA न्यूज़ को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आज के इस मीडिया जगत में जहाँ रात दिन केवल TRP के लिए दौड़ होती है, उसमें एक इतना कंस्ट्रक्टिव विषय को लेकर आज अवेयरनेस का काम लेकर, जो कि राष्ट्र हित का एक काम है, इस विषय को आपने उठाया और डिबेट करें, इसके लिए तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। देखिए, विद्यार्थी परिषद ने आज से ही नहीं, लगभग एक साल पहले से ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमने एक कमेटी भी बनाई थी, और हमने इस बार तय किया था कि इस बार, हालांकि हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये किया था, लेकिन इस बार भी हमने एक नए सिरे से उसकी तैयारी की कि हम एक कैंपेन चलाएंगे जो कि राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर जगह कैंपस में छात्रों के बीच में हम पहुंचेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। विशेष रूप से जो पहली बार के वोटर हैं उनमें विशेष रूप से एक्साइटमेंट हम लोगों ने महसूस किया, तो हमने इसको ड्राफ्ट किया और इसका जो हमने थीम लाइन दी, उन्होंने दिया नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट नाम से हमने ये कैंपेन शुरू किया। और मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि अब लगभग ये कैंपेन हम 3-4 महीने से बहुत सघन रूप से चला रहे हैं। कैंपेन तो पहले से शुरू था, लेकिन जो इसका ट्रिमेंडस रिस्पांस हमको मिल रहा है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है, और पूरे देश में युवाओं में एक उत्साह है इस बार, और वो सरकार चुनने के लिए तैयार है। जी राहुल जी, आपसे भी वही समझना चाहेंगे कि किस तरह की कोशिश होती है आपकी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मत, अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें।
राष्ट्रीय सेवा योजना स्वीप एक्टिविटीज के अंतर्गत कलेक्ट्रेट और कई कलेक्ट्रेट इसमें राष्ट्रीय सेवा NCC NYK और कई ऐसे यूथ समूहों को संगठनों को जोड़ता है कॉलेज में, अगर नए नवीन मतदाताओं को वोटिंग अवेयरनेस के साथ साथ अपने आप को वोटर लिस्ट में नामांकित कराने और साथ ही साथ उसके लिए नुक्कड़ नाटक रैली और इस बार तो ADR के साथ मेरे कार्टून कॉम्पिटिशन रंगोली कॉम्पिटिशन और साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की गई है। घर घर जाकर मतदाताओं से बोला कि आप वोट करें, आप अपने उम्मीदवार को चुनें, अपनी सरकार को चुनने में उतना ही आपका अधिकार है जितना कि जितना आप अधिकार जमाते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया वो नहीं किया। तो आप हम हमारा ये उद्देश्य है कि आप वोट डालें, जब तक आप वोट डालेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे कैसे कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल, अच्छी चीज़ों के लिए अच्छे काम के लिए आपको खुद निकलना पड़ेगा और अपना चुनाव खुद करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की सरकार चाहिए जो आपका आपके देश को आपकी समाज को बेहतर बना सके। विवेक जी आपसे सवाल कि जो कोशिश आपकी पिछले कई सालों से रही उसमें अब कितना फर्क आपको दिखाई दिया और कितना जो लाभ देखने को मिल रहा है लोगों तक पहुँच पा रहे हैं आप और लोग कितने निकल कर बाहर आ पा रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे। देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बूथ पे जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, परंतु मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा भोपाल लोकसभा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि अरेरा कॉलोनी चार इमली का जो क्षेत्र है ये कहने को बहुत पॉश एरिया कहलाता है कि यहाँ बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहते हैं, परंतु ये मतदान के मामले में फिसड्डी साबित हुए। इनके यहाँ मतदान का जो प्रतिशत होता है वो बहुत ही कम होता है, उससे ज़्यादा मुझे कहते हुए दुख होता है कि पढ़े लिखों से ज़्यादा झुग्गी बस्ती के लोग ज़्यादा वोटिंग करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो रुझान था वो छुट्टी के रूप में लेते हैं कि सैटरडे संडे हुआ तो परिवार के साथ घूमने चले जाओ। मतदान उनके लिए उतनी गंभीरता का विषय नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजनीति को जो जिस नज़र से देखते हैं मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने पिछले लोकसभा चुनाव में काफ़ी कोशिश की थी, परंतु जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि उस तरीके का वादा होने के बावजूद भी वहाँ के रहवासियों ने उतना मतदान नहीं किया है, जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रत्याशी पीछे रह जाता है। और मैं समझता हूँ कि वो जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो दूषित करने का प्रयास रहता है उसमें काफ़ी हद तक कुछ उम्मीदवार सफल भी होते हैं। तो ये इस बार जो हमने विधानसभा चुनाव था हम फिर उन क्षेत्रों में गए, हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए प्रयास किए और कोशिश की कि वो अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित आके इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व को अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज कराएं। और निश्चित ही उसमें हमें बेहतर हम सफल भी हुए, हमने वहाँ पर देखा कि कई बूथों पर जहाँ पर पहले 50% भी मतदान नहीं होता था अब वहाँ 70-75% से ज़्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं जिनका रुझान या जिनका मैं समझता हूँ राजनीति से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, वो एक तरीके से मान चुके थे कि भारत का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी था कि आपका एक वोट उस वोट की कीमत क्या है, एक सांसद के क्या क्या दायित्व होते हैं, एक अच्छा सांसद एक अच्छा उम्मीदवार से आपको किन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो किसी दल या किसी विचारधारा को नहीं मानते वो भी अपने लोगों को अपने परिवार अपने दोस्तों को जागरूक कर रहे हैं कि चलो भाई हमें इस संडे को 12 तारीख को वोटिंग करने जाना है और सबसे पहले हमें वोटिंग करना है। तो ये काफ़ी अच्छा हमें रुझान मिला है और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग ने भी बहुत मेहनत की है, इस बार समझता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में बढ़ेगा और निश्चित ही भोपाल जैसी जगह पे जहाँ पे पॉश एरियाज में वोटिंग परसेंटेज कम रहता था मैं समझता हूँ इस बार मतदान भारी संख्या में होगा। और जब हम बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे जो अभी तक मतदान करने से बचते थे वो परिवार सहित आएंगे और मतदान करेंगे, अपनी इस ताकत अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, निश्चित ही वो मतदान करेंगे, अच्छे उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे, भोपाल के विकास के लिए मतदान करेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करेंगे। अंकित जी जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा कि पहले ऐसा हुआ करता था या कोई एरिया बताया उन्होंने कि वहाँ पर लोग ज़्यादातर लोग अब इसको एक छुट्टी की तरह लेते हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह आपको लगती है कि ये दिन जो महापर्व माना जाता है लोगों के लिए एक अच्छी सरकार चुनने का अपने भविष्य को तय करने का दिन होता है, पर इसके क्या क्या लगता है आपको इसके पीछे जो कम वोटिंग होती है इसके पीछे कुछ लोगों का ये सोचना कि छुट्टियों के तौर पर या उनको लगता है कि हम हमारा चुनाव कोई मायने नहीं रखता, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह लगती है आपको लोगों का इस तरह की सोच के पीछे वजह क्या है? देखिए मेरी मैं काफ़ी लंबे समय से फील्ड में काम करता हूँ विशेष रूप से छात्रों के बीच में, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन रही हैं जो मैं आपके माध्यम से सबको सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है।
राजनीति में लोगों का जो पिछले कुछ दशक में अगर आप देखेंगे तो राजनीति में राजनेताओं के प्रति विशेष रूप से पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति विशेष रूप से जो इस बीच लोगों का विश्वास गिरा है और लगातार उस विश्वास की गिरावट जारी है, हम सभी के ध्यान में ये चीज आ रही है। मैं इसको एक बहुत बड़ी वजह मानता हूँ। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये वजह है कि भाई ये आए या ये आए, होना तो वही है। और लोगों के अंदर एक एक अनरेस्ट है, एक उम्मीद एक आशा जो होती थी, जो पहले थी, जो एक जमाना था, अब वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो मैं इसको एक सबसे बड़ी वजह मानता हूँ कि लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप के अंदर जो विश्वास कम हो रहा है, मैं इसको एक बहुत बड़ी वजह मानता हूँ। अभी विवेक जी जिस एरिया स्पेसिफिक की बात कर रहे थे भोपाल में अरा कॉलोनी, वो सही बात है कि वो बहुत ही भोपाल का सबसे पढ़े लिखे लोगों का पॉश लोगों का एरिया माना जाता है। उसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स सभी प्रकार के इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, तो वहां तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए था कि वो हम सबके लिए रोल मॉडल वाला क्षेत्र बने। लेकिन ये सत्य बात है कि पिछले कुछ चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो या लोकसभा चुनाव रहा हो, वोटिंग परसेंटेज स्पेसिफिकली उस एरिया की बात करें तो गिरा है। और कमोवेश ये बहुत जगह का हाल है। अगर आप दूसरी जगह की बात देखेंगे, जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे, आज वोटिंग परसेंटेज वहां पे सुधर रहा है। आप पश्चिम बंगाल देखिए, जो इतना इतना आज, हालांकि वहां पे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। केरला में देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। विशेष रूप से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आप देखेंगे यहां पे लोगों में, खासकर शहरी वोटरों में, उत्साह की कमी आई है। और मैं इस बार, लेकिन एक चीज है, मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस बार चुनाव आयोग के जो प्रयास रहे हैं वो इतने अद्भुत प्रयास रहे हैं, और हर स्तर पर प्रयास रहे हैं, चाहे वो पिंक बूथ बनाने की बात हो हमारी बहनों माताओं के लिए, चाहे पहले से टीवी के माध्यम से विज्ञापन देना हो, रेडियो के माध्यम से विज्ञापन देना हो, चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ हमारे अनुभव, जब मैं फील्ड में निकला प्रचार के लिए, तो मैंने देखा सामाजिक संगठन भी, बहुत से सामाजिक संगठन, जैसे हमारे साथी हैं NSS से हैं, इसी तरह तमाम संगठन NSS और भी इस तरह के जो है स्वयं सेवा समूह जो हैं, NGO हैं, इस बार लगे हुए हैं। और वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है जब अभी फाइनल परिणाम आएगा 23 के बाद, तो जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको बताएगा, तो मुझे लगता है पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंट में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, पिछली बार की अपेक्षा बड़ा ही है इस बार भी, और भी उम्मीद की जाती है। नहीं, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो मुझे लगता है एक डिसेंट अमाउंट का हमको इंक्रीमेंट दिखेगा 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में। जी जी, राहुल जी, जैसा कि अभी हमारे दोनों मेहमानों ने बात की कि कहीं ना कहीं इसको लोग छुट्टी के तौर पर लेते थे, पर अब थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आई है, निर्वाचन आयोग का भी काफ़ी सहयोग रहा है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी कोशिश की कि लोग अपने घरों से निकले और अपने कीमती वोट का उपयोग करें। एक नोटा की बात हमेशा सामने आती है कि ज़्यादातर लोग निकलते तो हैं घर से, पहुंचते हैं अपने बूथ तक, पर वहां पर कई बार ऐसा होता है कि कई संख्या ऐसी होती है कई लोगों की कि वो अपना वोट, जो कीमती वोट है, उसको नोटा को दे देते हैं। उसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या सोचना है लोगों का, या नोटा को वोट करने का उनको क्या लगता है कि उससे क्या फायदा कुछ मिल सकता है? नोटा की बात की जाए तो नोटा व्यक्ति तभी, नोटा का गठन इसलिए ADR लाया था इसे 2003 के आसपास, हाई कोर्ट की पटिशन दायर की थी उस टाइम पर, कि नोटा तो तभी दबेगा जब उस जिस एरिया का आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं पब्लिक जानती नहीं है, आप उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यदि काम किसी ने किया नहीं, उम्मीदवार मैं यदि किसी को वोट दूंगा तो उसी को दूंगा जिसको मैं जानता हूं, पहचानता हूं, या फिर जो अच्छी छवि वाला होगा उसी को वोट दिया जाएगा। नोटा तभी दबता है जब जो वोट उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं किसी भी एरिया से, या तो वोटर उसको जानता नहीं है या पसंद नहीं करता। नोटा की इसलिए भी विधानसभा चुनाव जो हुए थे लास्ट ईयर, उसमें 5 लाख से ज़्यादा नोटा वोट डले हुए थे, तो नोटा इसलिए मेन भूमिका में है रहेगा इस बार मुझे लगता है। और नोटा के लिए नोटा तभी दबता है या तो उम्मीदवार पसंद होगा नहीं, उम्मीदवार को जानेंगे, या पार्टियां विशेष अपने उम्मीदवार को तय करे कि किसको वोट ज़्यादा मिलेंगे और कौन उम्मीदवार उस एरिया से खड़ा होना चाहिए, ये पब्लिक तय करेगी। जी विवेक जी, आपको क्या लगता है नोटा के पीछे क्या मकसद है, क्या लगता है आपको नोटा पर ज्यादा इस बार की बात, जैसा कि अभी राहुल जी ने कही कि ज्यादा नोटा का उपयोग करेंगे लोग, क्या मानना है? जिस तरीके से मैं उसके लिए जिम्मेदार समझता हूँ कि आजकल जो पिक्चर सीरियल्स और दुख के साथ करना पड़ता है, मीडिया भी जिस तरीके से एक चरित्र निर्माण एक नेता का करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में पॉलिटिशियंस को लेके
जो अब एक धारणा बन चुकी है वो ठीक नहीं है। ये भविष्य में देश के लोकतंत्र के लिए खतरा के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों से नफरत करेंगे, नाराजगी रखेंगे, नोटा मैं समझता हूँ सीधे सीधे गुस्से का एक इजहार है। जो मतदाता के मन में नोटा दबाने के लिए आता है तो वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, अपनी नाराजगी को दिखाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि मतदाताओं को वोट डालने से पहले अपने सभी उम्मीदवारों के बारे में अच्छे से जान पहचान कर लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। और आजकल तो उसके लिए बहुत सारे माध्यम है, ऐसी बना दी गई है कि जो सही है वो गलत साबित हो जाता है, जो गलत है वो सही साबित हो जाता है, तो वो एक छवि ही नहीं समझ में आती जो देश में देश में आप देखिए आप देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज अगर मैच के बीच में एक ऐड आता है उसमें एक नेता के बारे में जो दिखाया जाता है, एक 1.5 मिनट के ऐड में वो नेता को भ्रष्ट भी दिखा दे रहे हैं, मजाक का विषय भी बना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मन में एक आके बैठ जाती है। वो पार्टियों के ऊपर है, वो उन्होंने दूसरी पार्टी को भ्रष्ट दिखाया, उसकी छवि को नहीं। मैं ऐड मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल अगर ऐसे ऐड बन रहे हैं मतलब जनता उनको पसंद कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात बैठ चुकी है कि देश में जो राजनीतिक है वो 100% भ्रष्ट है, उनका चरित्र ठीक नहीं है, और वो सिर्फ लूटने खसोटने के लिए या अपनी काली कमाई बढ़ाने के लिए राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। तो ये मानसिकता मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आज हमारे बीच में कई सभी दलों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीति में कदम सिर्फ जनसेवा के लिए रखा है। अगर आप उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानेंगे, आज आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानना ही नहीं चाहते, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, किसी के बारे में कुछ भी गलत चीजें अगर आप फैलाना चाहते हैं आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, फेसबुक पर लिख दीजिए, वो इतनी तेजी से सर्कुलेट होता है बगैर उसकी सच्चाई को जाने, बगैर उसके परीक्षण को किए, तो ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पे एक प्रहार है। उस प्रहार को मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को आगे ना बढ़ाएं, गूगल बाबा भी है, गूगल पे उस चीजों को तथ्यों को परीक्षण कर लें। मैं समझता हूँ 99% बातें जो आप शेयर कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, उनमें वो कहीं ना कहीं झूठा प्रचार किया जा रहा है, तो उस प्रचार को रोकने की आवश्यकता है। आज जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं किसी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले पूरा अध्ययन कर लें, परीक्षण कर लें, और नेताओं के बारे में जो एक छवि गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है मैं समझता हूँ उस पर रोक लगानी चाहिए। पिक्चरों में जो बनाया जाता है, एड में जो दिखाया जाता है वो एक तरीके से गलत है, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि एक अगर सांसद नहीं होंगे, विधायक नहीं होंगे, तो भविष्य में लोकतंत्र चलेगा कैसे, बचेगा कैसे? और देश को चलाना है तो लोकतंत्र को बचाए रखना आवश्यक है। आज वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आपको समझना पड़ेगा। नोटा लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। बार बार आप अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ फेसबुक पे लिखिए, अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो अपने उम्मीदवार के बारे में लिखिए, सवाल पूछिए, जानकारी एकत्रित कीजिए। सोशल मीडिया एक मैं समझता हूँ सबसे सरल रास्ता है किसी के बारे में कोई जानकारी एकत्रित करने के लिए। आप अखबारों में पढ़िए, इंटरव्यूज आते हैं, आप लोग चैनल पे घंटों एक एक घंटे के वो दिखाते हैं कि उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं, क्या वो कर चुके हैं, क्या वो करना चाहते हैं लोकसभा में, कैसे वो क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या उनके विजन है, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और निश्चित ही मैं समझता हूँ वोट डालने से पहले अगर आप अपने उम्मीदवारों के बारे में जानते होंगे तो उनमें से किसी न किसी को तो आप वोट देंगे। नोटा एक सही ऑप्शन नहीं, इससे देश के लोकतंत्र को आघात हो रहा है, इससे देश के लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, और उस पर रोक लगानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। नोटा नाराजगी का विषय हो सकता है, किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार पे नाराजगी दिखाने नोटा ठीक तरीका नहीं है। अगर इसी तरीके से ज्यादा लोगों को आप जागरूक करेंगे कि नोटा दबाइए, नोटा पे वोट दीजिए, नोटा की बटन दबानी, तो मैं समझता हूं ठीक नहीं है, इससे भविष्य में लोकतंत्र को सिर्फ नुकसान होगा और देश की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। बिल्कुल अंकित जी, जैसा कि विवेक जी ने अभी कहा कि नोटा सही ऑप्शन नहीं है, और सही चुनाव करने के लिए जो प्रत्याशी हैं उनका जो चुनाव आपको करना है उसको बहुत सोच समझकर, तोल मोल कर, उनके पूरा एनालाइज करके, उनकी छवि को देखकर समझकर करना चाहिए, तो ये एक बेहतर तरीका है। पर जो अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव का मौसम आता है तो बहुत तरह के विज्ञापन ऐसे दिखा दिए जाते हैं, या सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म अच्छा है जिसमें जो प्रत्याशी हैं उसकी छवि को जो अलग तरह से पेश कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसका असर लोगों पर पड़ता है, दिखाई देता है, और फिर एक गुस्सा, एक जोश, एक रोष होता है उनके मन में, और वो कहीं ना कहीं नोटा को अहमियत ज़्यादा देते हैं। क्या मानना है आपका, इस तरह की चीज़ों से जो भ्रमित हो रही है जनता, उस वो कैसे बाहर निकले? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं क्लब करके विषय को बताना चाहूँगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को तो चुनाव लड़ना है और वो हार्डकोर पॉलिटिक्स के लिए, तो वो तो अपना काम करेंगी और जिस मीन्स को ठीक समझेंगी उसके माध्यम से करेंगी।
मैं अगर एक्स पार्टी से हूँ, अगला वाई पार्टी से है, तो एक्स पार्टी वाई पार्टी को हर माध्यम से अटैक करेगी और वाई पार्टी एक्स पार्टी को काउंटर करेगी या अटैक करेगी हर माध्यम से। मगर इस आपसी लड़ाई में, पॉलिटिकल पार्टीज की, कैंडिडेट्स की आपसी लड़ाई में, चूंकि हम वोटर हैं, देश का भविष्य हमारे हाथ में, और जब हम युवा हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो उसमें हमको निर्णय करने के लिए, हमको निर्णय करने में बहुत सतर्कता की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल फेसबुक में कुछ भी डाल देना, ट्विटर में डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना, एक अन्य किसी सोशल मीडिया में डाल देना किसी भी के लिए, और छवि खराब कर देना, ये बहुत खराब बात है। उससे ज्यादा एक जो खराब बात ही कहूंगा मैं, हो सकता है मैं भी जाने अनजाने कभी वो चीज मुझसे भी हो गई हो, हम उसको सत्य मान लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये तो बस ये जो इसमें लिख दिया शाश्वत सत्य है। हम कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि किसी के बारे में लिख दिया गया तो वो सही भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। तो हमको थोड़ा टैंजेंटली थोड़ा इस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। अब इसमें कई चीज़ें हैं। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है और अवेयरनेस बहुत बड़ी है। हालांकि अंग्रेजी में कहावत है कि कन्वीनियंस कम्स विद द कॉशन, अच्छी चीज़ आएगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक आएगा, तो हमको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आजकल जैसे अभी हाल ही में मैं अभी ऐड देख रहा था, निर्वाचन आयोग ने ही एक वेबसाइट लॉन्च की थी और एक प्राइवेट कंपनी ने भी वेबसाइट लॉन्च की। मैं टीवी में ऐड देख रहा था कि www.mynetha करके ऐसी कोई वेबसाइट है, मुझे पूरा याद नहीं है अभी। उसमें आप जाएंगे तो आपको आपके जो भी प्रतिनिधि है, आपका जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी कैंडिडेट है वहाँ का, उसकी पूरी प्रोफाइल उसमें आपको आ जाएगी। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अपने घर में, जो पुराने लोग हैं जिनको अनुभव है, जानते हैं, उनसे राय मशवरा कर सकते हैं। हम अगर इस चीज़ को पैरामीटर बना लें कि हम वोट अल्टीमेटली उस कैंडिडेट के लिए करेंगे जो साफ सुथरी छवि वाला होगा, जो हमारे बीच उपलब्ध होगा, जो मेहनत करने वाला होगा और जनता के प्रति संवेदनशील होगा, तो फिर हमको उसको पता करने के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए 20 तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने घर में पूछ सकते हैं, मित्र यार से पूछ सकते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं समाज में, टेक्नोलॉजी का माध्यम ले सकते हैं। आप गूगल में डालिए, गूगल में उस आदमी की क्या प्रोफाइल हिस्ट्री है वो आपको सब पता चल जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि सेल्फ डिक्लेरेशन करना है आपको। कई बार भ्रष्टाचार का हमें डाउट होता है, अगली पार्टी ने कह दिया साहब इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, तो कुछ नहीं, आजकल निर्वाचन आयोग में इलेक्शन के दौरान जब आप भरते हैं, नामांकन करते हैं, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आपके सेक्स, तो आपके पास कितने एसेट हैं, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, एक एक चीज की हिस्ट्री है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए लेकिन हमको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, हमको इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम कुछ भी डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, ज्यादा जिम्मेदारी वोटर्स की है। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करती रहेंगे, लेकिन उस पॉलिटिक्स के चक्कर में इस देश की जनता को, मैं ये पार्टी लाइन से, मैं दलगत राजनीति से बहुत ऊपर उठकर बोल रहा हूँ कि इस वोटर होने की वजह से हम लोग की जिम्मेदारी ज्यादा है, हम लोग को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लगाएं, लेकिन जब अपने कैंडिडेट को जान लें, संतुष्ट हो लें कौन अच्छा है हमारे लिए, तभी जाकर हम वोट करें। बिल्कुल, एक स्वस्थ समाज अगर बनाना है तो बिल्कुल चुनाव बहुत जरूरी है। राहुल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से, जो हम आज इस कार्यक्रम को हमने रखा है कि 100% वोट हो, क्योंकि सही चुनाव करना सबकी जिम्मेदारी है, और घर से निकले वो और अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें, तो किस तरह का आह्वान, किस तरह का अभियान आपकी तरफ से होगा और क्या कोशिश आपकी है, या किस तरह हमारे दर्शकों तक आप अपनी बात पहुंचाएं कि वो घरों से निकलें और मतदान करें? विगत 2 से 3 हफ्ते से करीब कहा जाए तो मध्य प्रदेश के करीब सभी जिलों में मेरा वोट मेरा देश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें भोपाल की कई कॉलेजों के युवा साथी, NSS, NY के और NCC के वॉलेंटियर्स जो हैं इस यात्रा में शामिल हैं, जो कि भोपाल के साथ हर जिले के मोहल्ले, गली, चौपालों में जाकर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली और साथ ही साथ पपेट और फ्लैश मॉब के साथ साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, क्योंकि आप ही अपनी सरकार तय करेंगे, आप ही अपने एरिया का विकास करेंगे। और इसके लिए अब इलेक्शन कमीशन ने अब दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा रखी है, रैंप बनाए हुए हैं, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, और साथ ही साथ कई बुजुर्ग हैं उनके लिए टैक्सी भी उपलब्ध करा रही है। इस बार विगत विधानसभा चुनाव में भी ये था और इस बार भी रखा है। तो हमारा यही कहना है कि जितने यूथ हैं वो अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आप ही हैं जो भारत में देखा जाए तो 65% ज़्यादा यूथ है, तो इस बार की सरकार तय करने में उनका बेहद बहुत ही अहम रोल है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने मत का प्रयोग करें और आपसे ही देश का विकास होगा। जी, अपने दोनों मेहमानों से चाहूंगी कि कम शब्दों में हमारे दर्शकों तक ये मांग रखें कि वो 100% वोटिंग के लिए अपने घरों से निकले और मतदान केंद्र तक पहुँचे। विवेक जी, आप देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी की जिम्मेदारी है लोकतंत्र के बचाव के लिए, आपको वोट करना ज़रूरी है। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप
मोबाइल खरीदने से पहले, कपड़े खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके वो अपनी पसंद की चीज़ों को चुनते हैं। तो वैसे ही प्रत्याशी के लिए भी आपको पूरी जानकारी एकत्रित करना चाहिए, किसी के कहने पे ना किसी के दबाव में ना किसी के प्रभाव में। अपना वोट उसी को दें जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके बारे में कोई विजन हो, जो आपके क्षेत्र के बारे में विजन रखता है और क्षेत्र का विकास कैसे होगा वो। दूसरी चीज़, आप जो भी करते हैं आपके घर के बच्चे उस चीज़ों को सीखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अपने परिवार के बुजुर्गों को और परिवार के बच्चों को भी लेके मतदान करने सपरिवार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर से ज़रूर जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का निर्वाह करना से कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचेगा। और लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए जो प्रचारित किया जाता है या किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है तो उसमें बिल्कुल भी हिस्सा आपको नहीं लेना है। किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले या सोशल मीडिया पर डालने से पहले उसका परीक्षण कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। धन्यवाद। अंकित जी, जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, अब चूंकि भोपाल में हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, भोपाल की तो वोटिंग कल ही है और जहाँ की भी बची है अभी दो चरण कल और इसके बाद आखिरी चरण हो रहे हैं, मैं सभी युवाओं से विशेष रूप से और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि पूरे देश में जहाँ जहाँ तक लोग आपके चैनल के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, मैं खुद भी एक युवा हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जाएँ, अधिक से अधिक संख्या में जाएँ, अपने आग्रह कर अपने दोस्तों को भी ले जाएँ। और बिल्कुल भी इसको ये मत मानिए कि ये पिकनिक का दिन है या छुट्टी का दिन है। आपको छुट्टी मनानी है, वोट डालिए, उसके बाद बिल्कुल छुट्टी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में निकलिए, वोट डालिए, सही प्रत्याशी को चुनिए, किसी भी तरह के दबाव प्रभाव लोभ लालच में आने की आवश्यकता नहीं है। विवेक से, आज की भी रात बची हुई है, स्टडी करिए, समझिए कौन कैसा कैंडिडेट है, लोगों से पूछिए, कंसेंसस बनाइए, पर जो भी करिए वोट देने जरूर जाइए, किसी को भी करिए, जो आपको ठीक लगता है, जिससे आप संतुष्ट हैं उसको करिए, लेकिन प्लीज जाएं और देश के निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि एक एक वोट इस देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और विशेष रूप से हम युवा हैं तो बहुत जरूरी है। तो मैं पुनः आग्रह करता हूं कि बिल्कुल कल जाएं और जाकर अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आग्रह करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचें और अपने कीमती मत को पहचानें और वोट उसी को डालें जिसको लगता है कि आपको वो एक स्वस्थ, एक हेल्दी समाज देगा और आप के देश के विकास में वो सहयोग देगा। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसको भी एक इम्तिहान की तरह लें और अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचें और अपने कीमती वोट को पहचानें और वोट डालें। और ये भी एक इम्तिहान है आपका कि अच्छे समाज बनाने के लिए आपको ये मौका मिला है और उसमें आप सभी को पास होना है। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला डीएनएन पर लगातार जारी है, बने रहें डीएनएन के साथ।